प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अवैध रूप से कच्ची शराब का व्यापार करने वालों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम हरिया के पास सरिया गांव में बीती रात हुई कार्रवाई में बेलीपार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक मकान में पुलिस की दबिश के दौरान चार गोदाम में महुआ, गुड़, प्लास्टिक, खड़ी पिकअप में भी सामान भरा पड़ा मिला। कुछ मात्रा में नौसादर भी मिला। दारू बनाने में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक भी बरामद हुई। पानी पीने वाले जार में कच्ची शराब भी मौके पर मिली। सूचना पाकर बेलीपार इंस्पेक्टर संतोष सिंह और नौसड़ चौकी इंचार्ज अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सजनवा के तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा के जांच पड़ताल करने के बाद बेलीपार पुलिस ने चारों गोदामों को सीज कर दिया। दुकान चला रहे पिता व पुत्र को बेलीपार पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने ले गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि बीती रात बेलीपार थाना क्षेत्र के एक घर में दबिश देकर काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने की सामग्री पकड़ी गई है। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दबिश के दौरान 137 कुंटल गुड़, 75 कुंटल महुआ, 1.5 कुंटल प्लास्टिक और 24 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। आसपास के क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाने की सामग्री बेचने का कार्य करते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, बोर काम है बड़ो ना रखा बड़ो रोका ले बड़ो को फोटो अभी खिंचाओ फोटो बड़ो ही रखा था काम उठा दिया रिंकू सर, इसके बारे में जैसे हम कुमाल में कभी ले नहीं गए हैं इसको। हम जैसे मजदूरा हैं, क्या नाम है, ईंटा बालू वाले काम करते हैं, लेबर वाला। तो चोट लग गया था, एक हफ्ते से घर पर बैठे थे, तो इसीलिए हम आ गए हैं उतारने माल। ये देखिए 3-4 बोरा उतारे हैं, खाली 5 बोरा। क्या है हाँ ये सर, जैसे लोग बेचते हैं ये दारू रोज बनाने के चक्कर में बेचते हैं, फिर और ताम झाम में, जैसे पता नहीं है कि मतलब क्या क्या मतलब करते हैं लोग। ये जो माल उतारने चढ़ाने का काम करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें खाली गुड़ है सर, गुड़ नहीं, अब गुड़ है। और यहाँ पर जो है पहले से मतलब ये है, क्या नमक और फिटकरी और ये महुआ, ये सब किन सब चीज़ों में यूज होता है? ये सर बेचते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि मतलब ये दारू भी बनाने भी काम में आता है। कौन सी दारू बनाई अब दारू ए कौन भाई जो बेचते हैं नहीं, बारामपुर और वही भट्टैया दारू बनाते हैं ना, भट्टई दारू। कितने दिन से काम कर रहे हैं सर? हम आज पहले दिन आए हैं, अभी 4-5 बोरा उतारे हैं खाली। मालिक का क्या नाम है और ये मकान मालिक कौन है? बेचन गुप्ता नाम है। बेचन गुप्ता कौन है? मालिक है यहीं पे। किस चीज़ के? इस घर के। और ये सामान किसका? उन्हीं का है सर। हमारा विवेक कुमार नाम है भैया। हम पहली बार आए यहाँ पर आए हैं,
इसमें गुड़ है, भेली है, उसमें लदा है, उतार रहे थे गुड़ भेली उतार रहे थे तो महुआ लौक रहा है, भेली उली लौक रहा है और वो खाद टाइप लौक रहा है, तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ है। अभी शायद पता नहीं कहाँ जाता है, सुनते हैं दारू उरू बनता है, ये कुल काम उम कराते हैं साहब। हम तो पहली बार आए हैं, हम तो जानते उनते नहीं हैं। ये जो माल आप उतार रहे हो ये किसका है और ये मकान किसका है? बेचन गुप्ता शायद सार उनका नाम है, उन्हीं का है साहब, हम तो पहली बार आए हैं। आपको यहाँ काम पे लाया कौन था? सर वही उनके लड़के गए थे, उनके लड़के गए थे वहीं लिया कर आए थे। अब भैया वो कहना है हमसे कि 100-150 रुपया ही मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं। उतार देवा 100-150 रुपया, 150-150 रुपया मिलेगा। डेली पर कच्चा द्वारा कल रात में एक घर पर दबिश देके काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने की सामग्री पकड़ी गई है। इस पर 270/19 मुकदमा लिख के जो 60, 63 और 72 आबकारी अधिनियम और 272 ICC के अंतर्गत लिख के इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें 137 क्विंटल गुड़, 75 क्विंटल महुआ और 1.5 क्विंटल प्लास्टिक तथा लगभग 24 लीटर कच्ची शराब उनके यहाँ से प्राप्त हुई है। ये जिनका घर है वो हैं बेचन गुप्ता और उनके पुत्र विद्यासागर, इनके खिलाफ ही मुकदमा लिख के आगे कार्रवाई की है। सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है और क्योंकि ये आसपास के क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाने का सामान सप्लाई करते थे तो पुलिस को उम्मीद है कि इसके बाद कच्ची शराब पर काफ़ी हद तक लगाम लगाया जाएगा।